मेरे घर में ये सूप का पैकेट कब से इधर उधर घूम रहा था, तो मैंने सोचा चलो इससे है ना सूपी नूडल्स बना देते हैं। तो मेरे पास मैगी भी पड़ी थी, तो मैंने ले लिए 3 पैकेट मैगी के और ये सूप का पैकेट। तो एक कढ़ाई ले लिया और उसके अंदर ये सूप का पैकेट पूरा खाली कर दिया, और ये 3 पैकेट मसाला जो मैगी के साथ आता है वो, और 4 ग्लास पानी, और उसको अच्छे से उबाल लिया मैंने। पानी अच्छे से उबल जाए फिर उसके अंदर हम डाल देंगे सारी मैगी। और इसको पकने में थोड़ा टाइम लगेगा, उसको 5-1 मिनट तो हमें चाहिए, 2 मिनट में तो नहीं बनेगी। तो ये देखिए हमारी सूपी नूडल्स एकदम रेडी है। तो ये बहुत ही मस्त लग रही थी सूपी नूडल्स। अगर आपको खाना है तो ऐसे सूप का कोई पैकेट पड़ा हो तो उसको आप यूज करके ऐसे सूपी नूडल्स बना सकते हो। तो बहुत ही मस्त लग रहा था, एक बार आप भी जरूर ट्राई करना। ओके बाय।